नमस्कार, मैं आत्री विश्वास रॉय। इंडिया इज द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। जगह अलग, लोग अलग और अलग उनके फेस्टिवल्स। यही डाइवर्स इंडिया की पहचान है, उसकी खूबसूरती है, उस संस्कृति की खूबसूरती जिसमें हम धरती, हवा, पानी सबकी पूजा करते हैं। त्योहारों के देश का एक त्योहार, 14 भगवान की पूजा अर्चना का भी पर्व है। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट त्रिपुरा का खर्ची पूजा ऐसा ही है। अगले कुछ मिनटों में जानिए क्या है खर्ची पूजा, करोड़ों देवी देवता को मानने वाली संस्कृति में कौन है वो 14 देवी देवताएं जिसकी पूजा त्रिपुरी कम्युनिटी करती है, और कैसे खर्ची पूजा आसाम में होने वाले अंबुबाची की ही तरह मदर गॉडेस के मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी जुड़ा हुआ है। रिप्रेजेंटिंग इंडिया चैनल के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि नॉर्थ ईस्ट की ऐसी ही अनटोल्ड स्टोरीज को दुनिया के सामने लाएं। इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खर्ची पूजा मदर अर्थ की पूजा का पर्व है। खर्ची खया वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब धरती होता है। एक और थ्योरी कहती है कि खर्ची दो वर्ड से मिलकर बनता है, खर और छी। खर का मतलब होता है पाप और छी मतलब शुद्धि करना। इसीलिए एक तरफ खर्ची पूजा का मतलब धरती की पूजा से है तो दूसरी ही तरफ ये फेस्टिवल अंबुबाची या मदर अर्थ के मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद उनकी शुद्धि से है। कहा जाता है कि मदर गॉडेस हर साल मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरती हैं, जिसे त्रिपुरी लोग आमापेची कहते हैं। माना जाता है कि इस वक्त धरती भी अनक्लीन हो जाती है। इसी की शुद्धि के लिए खर्ची पूजा की जाने की परंपरा शुरू हुई। इसीलिए 7 दिनों तक चलने वाले खर्ची पूजा की शुरुआत सभी कुल देवी देवता की मूर्ति के स्नान कार्यक्रम से होता है। खर्ची पूजा त्रिपुरी कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। ये एक एनुअल फेस्टिवल है जिसमें त्रिपुरा रॉयल फैमिली अपने 14 कुल देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इस पूजा की परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है, पर इस पूजा की एक खास बात ये है कि हर घर में या हर कोई ये पूजा नहीं करता, बल्कि राज परिवार की ओर से उनके राज पुरोहित जिसे चोनतोई कहते हैं वही दूसरे पुजारियों के साथ मिलकर ये पूजा करते हैं। इसी कारण पहले ये पूजा राज परिवार तक सीमित थी, फिर पूरे त्रिपुरी कम्युनिटी के बीच ये एक बड़ा फेस्टिवल बन गया, और आज तो त्रिपुरी, नॉन त्रिपुरी के अलावा बाहर से भी कई लोग सिर्फ इस फेस्टिवल और मेले का मजा लेने के लिए त्रिपुरा आने लगे हैं। खर्ची पूजा की परंपरा हजारों साल पुरानी है, और प्रेजेंट डेज में ये पूजा पुराने अगरतला के पास स्थित चतुर्दश मंदिर में होता है। चतुर्दश मंदिर त्रिपुरी रॉयल फैमिली के 14 कुल देवता वाला मंदिर है, जिसे 1761 में माणिक्य महाराजा कृष्ण किशोर माणिक्य बहादुर ने बनवाया था। कोकबोरुक भाषा में ये 14 देवी देवता हैं, लंप्रा, अखाता, बिखाता, बुरासा, थुमनाई रॉक, बोनी रॉक, संगरोंगमा, मताई कोतोर, थ्विमा, सोंगात्रामा, नोक्सुमा, माइलुमा, खुलुमा और हचवकमा। इन चतुर्दश देवताओं में 13 देवताओं की मूर्तियां सोने से बनी हुई हैं, जबकि महादेव की मूर्ति सिल्वर से बनी है। एक और खास बात है कि महादेव, दुर्गा और नारायण के अलावा बाकी 11 मूर्तियां मंदिर के अंदर महल में रहती हैं, और सिर्फ खर्ची पूजा के दौरान ही इन 11 देवताओं की मूर्तियां पूजी जाती है। वरना साल भर इस मंदिर में महादेव, दुर्गा और नारायण की पूजा ही होती है। खर्ची पूजा आज त्रिपुरी लोगों के लिए ना सिर्फ सबसे बड़ा फेस्टिवल बन गया है, बल्कि त्रिपुरा के कल्चर की भी पहचान है। 7 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल की शुरुआत 14 देवताओं के होली बाद से होती है।
पूरे गाजे बाजे के साथ राजपुरोहित चतुर्दश देवताओं को नदी में स्नान करवाते हैं और फिर फूल मालाओं से सजी हुई मूर्तियों को मंदिर में रखकर पूजा की जाती है। त्रिपुरा के महाराज भी इस पूजा में शरीक होते हैं और फिर 7 दिनों तक त्रिपुरी कम्युनिटी धरती माता और चतुर्दश देवताओं की पूजा और त्योहार के उल्लास में डूबी रहती है। एक वक्त पर छोटे लेवल पर होने वाला ये पूजा हर बीतते साल के साथ बड़ा होता जा रहा है। प्रार्थना है कि ये पूजा इस बार भी त्रिपुरी लोगों के साथ सब पर अपना आशीर्वाद लुटाए। नमस्कार।